भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। लेकिन क्या एक भी खेल एकेडमी बनी? हमारे साथ लगातार झूठ बोला जा रहा है और इसका हम खुल के विरोध करेंगे। आप अकेले न्याय के लिए लड़ोगे तो अकेला आपको न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन आपके साथ अगर संगठन रहेगा तो हम मिलके न्याय करेंगे। जो आपकी समस्या है वो हमारी समस्या है, जो आपके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं वो हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। इस प्रकार से हम संघर्ष करेंगे। उसकी रिहाई के लिए हम सब आवाज उठाएंगे। बबीता बिलौता को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, बबीता बिलौता को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। जो आदिवासी दिवस को लेकर दोस्तों भीमराव अंबेडकर जयंती को भी इन लोगों की एक षड्यंत्र भरी चाल थी। ये ST OBC के लोगों को एक नहीं होना देना चाहते। भीमराव अंबेडकर को भी इन्होंने इसी प्रकार से लॉकडाउन किया था। और अभी जब आदिवासी दिवस, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, ये आदिवासी दिवस नहीं है। UNO ने 193 देशों का जो सदस्य बना है देश, उसमें सिर्फ आदिवासी दिवस मनाने के लिए नहीं कहा, उसने मूल निवासी दिवस कहा है। और मूल निवासी ST OBC के लोग हैं, और जो लोग इसको आदिवासी नाम से हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, इनका षड्यंत्र को समझने की आवश्यकता है। ये सिर्फ चाहते हैं कि इस 9 अगस्त को सिर्फ आदिवासी लोग मनाएं, इसलिए उन लोगों ने इसको आदिवासी दिवस के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। किसी प्रकार से UNO ने वर्ल्ड ट्राइबल डे मनाने की बात नहीं की है, UNO ने वर्ल्ड इंडिजिनस डे की बात की है। इंटरनेशनल वर्ल्ड इंडिजिनस डे सिर्फ आदिवासी नहीं, ये मूल निवासी दिवस है, ये देशज दिवस है, स्वदेशज दिवस है, और इसको हम सब लोग मिलकर मनाएंगे। और हम आपको बता दें, अगर शासन ये सोचती है कि इस प्रकार से लॉकडाउन लगा के हम ये रोक दें, तो बिल्कुल गलत है। जैसे कि पवन साहब भाई ने कहा कि सिर्फ संडे को ही अगर लॉकडाउन आप रख रहे हो, तो उस लॉकडाउन को बढ़ा के आप उसका सोमवार को कर सकते हो, या फिर उसको शुक्रवार को एक दिन का पीछे आप कर सकते हो। अगर आपको सही मायने में कोरोना की चैन तोड़ना है तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और उसके साथ ही मैं आपको बता दूं, ST SC की जमीन कुछ लोग षड्यंत्र पूर्वक हड़प रहे हैं। जैसे कि हमारा मामला था अतुल राजा उइके जी है, जो JSU से जिला उपाध्यक्ष है। हमने देखा है कि अमरवाड़ा में ST की जो जमीन थी, जो माननीय कलेक्टर महोदय ने, जबकि मुख्यमंत्री ने ये कहा गया था उनके द्वारा कि किसी प्रकार से जमीन आदिवासी जमीन गैर आदिवासी के नाम पे ट्रांसफर नहीं होगी, लेकिन यहाँ षड्यंत्र पूर्वक पूरे कर्मचारियों ने मिलकर और एक नहीं ऐसे कई एकड़ जमीन आदिवासियों के गैर आदिवासी के नाम पे कर दिया है। जंगल हमारे आपके, नहीं किसी के बाप के, ये जमीन हमारी आपकी, नहीं किसी के बाप की, ये नदी हमारे आपकी, नहीं किसी के बाप की। चाहे वो समाज का हो या गैर समाज का हो, उसके खिलाफ खड़े उतरे। अगर आप शांत बैठोगे तो आज आपके सामने ये हुआ है और हमेशा होगा। आज क्या हुआ, कल क्या हुआ? मजबूती से अगर आपको अगर लगता है कि अगर हम अभी भी ये जागे हैं, क्योंकि अब सही मायने में क्रांति शुरू होगी, और हम लोग किसी के इशारे पे नहीं नाचने वाले, भले वो कोई हो। जो सही है वो सही है। आपको अपने बच्चों को स्टोन यूनियन से जोड़िए, उनको बोलिए कि समाज के लिए थोड़ा सा आप समय दें। मेरा कल ही सुशीला धुर्वे ताई का एक फेसबुक में एक स्टेटमेंट डाला था, उसमें उन्होंने कहा था समाज के लिए लड़ रहे हैं लोग, बात गैर समाज में भी लड़ रहे हैं, लेकिन अगर उनके व्यक्ति को कुछ होता है, कोई जेल जाता है, किसी प्रकार कोई समस्या जाती है, उनके लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन हमारे लोग क्यों नहीं होते? आज जो हुआ है वो हम लोगों के लिए सबसे बड़ी चीज, तो जो हमारी हानि हुई है उसकी भरपाई कोई नहीं कर पाएगा, कोई नहीं करेगा उसकी भरपाई। अगर आपको अब भरपाई अगर करना है तो अपने बच्चों को ये बोलिए कि आपके अंदर आज हमारे लिंगोवासी मनमोहन साहब बट्टी जी आप लोगों के अंदर है, और आप लोगों के अंदर है तभी है जब आप अपने ऊपर हो रहे अन्याय के खिलाफ खुल के आवाज उठाओगे। कोई सपोर्ट करे या ना करे, आपको खुद को अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। अगर आप बोलोगे नहीं तो चंद लोग आपके ही इस फायदा उठा के अपनी राजनीति चमका के आगे बढ़ जाता है। कुछ लोगों को ये लगता है कि अब बट्टी जी के जाने से पूरा खत्म हो चुका है, ऐसा नहीं है। उनके जो मार्गदर्शन है, उनके जो आपको बताए गए जो नियम है, उनके खिलाफ उनको लेकर अगर उनके अनुसार अगर आप उतरोगे तो आज भी हम उस मूवमेंट को फिर से खड़ा कर सकते हैं जो आज दबा हुआ है। हमारे लिए सोचने का विषय है, अगर हम आज भी नहीं उतरे तो साथियों जो आपके साथ हो रहा है वो सबके साथ होगा। कुछ लोगों ने मेरे को धमकी दिया था फोन के माध्यम से कि तू जितना उचक रहा है तुम्हारी औकात नहीं है। मैंने बोला कि तुम रोक लो। जिस समय बट्टी जी थे उनके साथ भी हम कदम से कदम मिला के खड़े हो, कुछ लोग हमको भटकाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम मूर्ख नहीं है, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, किसी के इशारे पर नाचने वाले नहीं है। बट्टी जी के मार्गदर्शन में हम चलेंगे, उनके एक एक वचन हमको याद है। चाहे राजनीति और सामाजिक हो, अब युवा राजनीति में कदम रखेगा, और जितने सयाने हैं आप इनको मौका दो, अपने बच्चों का मौका दो आगे आने का।
अगर वो आगे आएंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलता हूँ कि हम उस राह पे आगे बढ़ जाएंगे जिस राह पे हमको बट्टी जी बढ़ाना चाहते थे। जिस मिशन को उन्होंने अधूरा छोड़ा है उस मिशन की जिम्मेदारी युवाओं के हाथ में है, लेकिन कुछ लोग नेतागिरी के नाम पे आज भी आपको भटकाने बरगलाने की बात करेंगे, लेकिन अगर युवा आगे आएंगे तो कोई कुछ नहीं उखाड़ेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, ताली पर कोई नहीं बजाएगा। ये आपको याद रखना, पीला गमछा डाले जो भट्टी जी ने कहा है उनके एक एक विचारों को अपने अंदर उतारे। आपके YouTube में, Facebook में, हर जगह उनके वीडियोस मिलेंगे, और जो करीबी उनके साथ रहे हैं उनके मार्गदर्शन में रहे, जैसे हमारे बीच में भट्टी जी के बाद जमकलाल सरयाम जी हैं, जिनके निगरानी में हम कुछ कर सकते हैं, कुछ हम समझ सकते हैं, क्योंकि जितना वो जानते हैं उतना हम लोग नहीं जान पाए उनको। अब तक जो हुआ है जितना भी अत्याचार वो हो चुका है, लेकिन साथियों अब सहन करने की बारी नहीं है, अब हमको उसके खिलाफ लड़ना है, संघर्ष करना है। हमारे साथ संविधान है और हम सभी लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं और भारतीय संविधान की सम्मान करने वाले हम लोग हैं, तो हम कानूनी तौर पे हमारी सभी मांगों को और हमारे अन्याय जो हमारे साथ हो रहा है उसके न्याय के लिए हम लगातार संघर्ष करेंगे। आदिवासी की जमीनें हो, चाहे दलितों की जमीनें हो, अनुसूचित जाति की जमीनें, सभी को साथ हक और अधिकार से न्याय दिया जाए, क्योंकि हम लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोग अपनी लड़ाई से संवैधानिक तरीके से लड़ना चाहते हैं। हम अपनी लड़ाई के जरिए आपको एक ज्ञापन के माध्यम से आपको हम सूचना दे के अवगत कराते हैं। चूँकि पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, कोरोना नामक बीमारी से देश ग्रस्त है, उसका भी हम सम्मान करते हैं, पर उसके साथ साथ कोरोना की आड़ में दलित आदिवासी के ऊपर अत्याचार सहन नहीं किया जाएगा। आपको ये जानकारी दे दूं, शायद आपको पता हो या नहीं पता हो, ST SC के जो मामले थाने में जाते हैं वहाँ पर कई ऐसे मामले हैं जिसमें 100% में से 80% मामले में वो केस को दायर करते ही नहीं, रिपोर्ट लिखते ही नहीं, और वो जो प्रताड़ित व्यक्ति है वो लगातार घूमता रहता है न्याय के लिए, लेकिन किसी प्रकार का उसको न्याय नहीं मिलता। अगर बात आती है एट्रोसिटी एक्ट की, तो साथियों एट्रोसिटी एक्ट बना तो दिया गया है लेकिन उसको कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है। अभी कल ही मेरे पास से फोन आया था, एक व्यक्ति को कोई गैर समाज गैर आदिवासी ने थप्पड़ मार दिया था, एक महिला को, उसको जब वो रिपोर्ट दायर करने के लिए आजाद थाना गई तो वहाँ पर के पुलिस वालों ने उसकी रिपोर्ट दायर नहीं की। और एक और मामला था जिसमें जमीन हड़प लिया गया, उसको 1.5 महीने हो चुके, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इस प्रकार के जो मामले आ रहे हैं, हमारा मानना है कि पुलिस प्रशासन इस प्रकार से ना करें, क्योंकि आप भी कानून के रक्षक हो और हम कानून के मानने वाले लोग हैं, इस प्रकार का हम अन्याय बिल्कुल नहीं सहेंगे। और लगातार जो इस प्रकार के अत्याचार बढ़ता जा रहा है, ये अत्याचार जो बढ़ रहा है इसको जल्द से जल्द रोकने की कोशिश करें। और छिंदवाड़ा जो है, आपको पता है वैसे भी ST SC बहुमूल्य क्षेत्र है, और इस प्रकार से यहाँ जो अत्याचार हो रहा है इसके हम सब युवा इसका खुल के विरोध करेंगे। आप अकेले न्याय के लिए लड़ोगे तो अकेले आपको न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन आपके साथ अगर संगठन रहेगा तो हम मिल के न्याय करेंगे। जो आपकी समस्या है वो हमारी समस्या है, जो आपके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं वो हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, इस प्रकार से हम संघर्ष करेंगे। पांचवी अनुसूची लागू करो, पैसा कानून लागू करो। 9 अगस्त 2019 छिंदवाड़ा पोला ग्राउंड आदिवासी दिवस का वीडियो देख ले, उसमें उन्होंने कहा था कि आपको 9 खेल एकेडमी बनाऊंगा आदिवासियों के बच्चों के लिए, ये कोयतुरों के बच्चों के लिए, ये गोंडियन बच्चों के लिए, ये ST के बच्चों के लिए ले। लेकिन क्या एक भी खेल एकेडमी बनी? नहीं बनी। हमारे साथ लगातार झूठ बोला जा रहा है और इसका हम खुल के विरोध करेंगे। भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आज विश्व मूल निवासी दिवस इंडिजिनस डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जिस भी आदिवासी की जमीन अगर कोई छीन रहा हो, जिसका शोषण कर रहा हो, तो उसके शोषण को सबके सामने वो चिल्ला चिल्ला के बता कि मेरे साथ ये अन्याय हो रहा है, उसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए 9 अगस्त को विश्व मूल निवासी दिवस या कोयतूर दिवस या आदिवासी दिवस मनाया जाता है। तो हम सब लोग, आप याद रखें, ये आदिवासी दिवस या मूल निवासी दिवस या कोयतूर दिवस 9 तारीख को जो मनाते हैं अपने हक अधिकार के लिए मनाते हैं, अपने हक अधिकार को हासिल करने के लिए मनाते हैं, ना कि नाचने कूदने के लिए। हम नाचेंगे कूदेंगे और लोगों को बताएंगे कि हमारी संस्कृति क्या है। और मैं आपका बता दूं, षड्यंत्र पूर्वक लोग आपको खत्म करने के लिए आपका धर्म परिवर्तित कर रहे हैं। कोई हिंदू बन रहा है, कोई मुसलमान बन रहा है, कोई ईसाई बन रहा है। हमारे धर्म बदल के
आपके विशेष अधिकार को खत्म करने के लिए ये लोग नए नए धर्म आपके सामने लेके आ रहे हैं। इसलिए आज से अभी से आपको कसम खाना है कि हमारी कोया पुनेम संस्कृति को उस कंदोला व्यवस्था को हम मानेंगे। कौन इस धर्म की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। कौन इस धर्म की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। हम ला के रहेंगे गोंडवाना, हम ला के रहेंगे गोंडवाना। जब तक सूरज चांद रहेगा भट्टी जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा भट्टी जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा भट्टी जी का नाम रहेगा। कोई नारा लगाना चाहते हैं? अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। गोंडवाना के वास्ते खाली कर दो रास्ते, गोंडवाना के वास्ते खाली कर दो रास्ते। और मैं आपको बता दूं, मैंने आप इससे पहले हमने नारा लगाया था बबीता बिलोसा को लेकर। बबीता बिलोसा अभी भी जेल में है और वो ज्यादा बड़ी लड़की नहीं है, हमारे उम्र की बच्ची है जो आप मेरे जैसे समाज को जगाने का काम करती थी। आप लोग जैसे इकट्ठे हुए ऐसे ही लोग उसके सामने इकट्ठे होते थे। लेकिन बड़ी बड़ी शर्म की बात है, भारत सरकार की जो गुजरात एटीएस सरकार है उसने उसको गिरफ्तार कर लिया साथियों। तो मेरा मानना है क्या अपने हक और अधिकार की बात करने वालों को गिरफ्तार करना उचित है? क्या लोगों को संविधान के प्रति जगाने की भावना रखना नक्सलवादी है? मेरा मानना है अगर संविधान को लेकर कोई व्यक्ति जगाता है और उसको कोई नक्सलवादी कहता है तो हम सब नक्सलवादी है। इस भारत देश के पूरे आदिवासी नक्सलवादी है। भीम आर्मी और जीएसयू हमेशा साथ है और इसको तोड़ने वाले लोग कान खोल के सुन लो, हम अम्बेडकर वादी है, अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। अगर आप तोड़ने की कोशिश करोगे तो आप खुद चूर चूर हो जाओगे। भीम आर्मी और जीएसयू आज हम सब लोग यहाँ पर मिलके ये वादा करते हैं कि एक दूसरे के साथ हम कंधे से कंधे मिलाकर हम न्याय के लिए संघर्ष करेंगे, अन्याय अत्याचार और शोषण के खिलाफ मिलकर आंदोलन करेंगे। चाहे हमको न्याय के लिए जेल जाना पड़े, सड़क में आंदोलन करना पड़े, भूख हड़ताल करना पड़े, धरना देना पड़े, हम ये देंगे और न्याय के लिए हम लगातार संघर्ष करेंगे। जय